हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जुमे का दिन है, आज जुमातुल अलविदा था, तो आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा, तो ये नमाज बस पढ़ी थी और अल्लाह पाक से बस दुआ की थी कि अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे, अल्लाह पाक हम सब पर रहमत और बरकत नाजिल फरमाए, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और उनके वसीले से हम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये दिन जो है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये इंसान की ज़िंदगी के कीमती लम्हात होते हैं। जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसको इस तरह की दिन देखने नसीब होते हैं। तो आप सब बस इन दिनों का ख़ास ख्याल रखा करें और नमाज़ें और कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ा करें और अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। और ये मोहम्मद इब्राहिम बैठे हुए थे, मैंने इसे नहला के तो चेंज वगैरह करवाया था, तो ये बैठा खेल रहा था। ये अपने ही लगा हुआ था तो फिर मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। और आज फिर हमारी जो है वो चचा की गिरफ्तारी थी, तो फिर हम लोग उधर आए हुए थे, तो ये जो है वो किचन में वो लोग काम कर रहे थे, मैक्रोनी बना रही थी वो, तो मैंने आप लोगों के लिए साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो उसने चिकन वगैरह बॉयल करके तो रेशे करके रख लिए थे और मैक्रोनी भी बॉयल करके रख ली थी। साथ साथ हम गपशप लगा रहे थे और साथ साथ मैं साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और ये लहसुन अदरक लहसुन छील के और पीस के रख लिया था। और ये सात पकौड़ों का सामान वगैरह काट के वो रखा हुआ था। नहीं और ये आलू कट करके रखे हुए थे, मसाला वगैरह बना के उसमें चिकन ऐड कर दिया था। और आप लोग सुनाए आप लोगों के रोजे कैसे गुजर रहे थे? गर्मी हो गई है, वैसे भी रमज़ान तो ख़त्म होने वाला है, बस दिल उदास हो जाता है जब रमज़ान खत्म होने वाला था, दिल उदास हो जाता है। ऐसे सहरी उफ्तारी के टाइम उठना, एक साथ मिल के खाना, ये सब चीज़ें जो हैं रमज़ान में ही होती हैं, रमज़ान के अलावा काम नहीं होती हैं। ये साथ साथ बातें हम लोग कर रहे थे, साथ साथ होम मैक्रोनी बना रही थी। तो ये मैक्रोनी तकरीबन तैयार थी, तो ये सॉसेस वगैरह डाल रही थी, सोया सॉस, चिली सॉस। चाचा हमारे घर के बिल्कुल साथ ही रहती है, चमचे की काट बात। तो फिर उन लोगों ने इफ्तारी का खा था, तो आज हम लोगों ने इफ्तारी इधर की थी उनके घर। जगह हमारा घर साथ ही है, तो बस एक ही घर लगता है कि एक ही घर है। तो ये मैक्रोनी तैयार हो गई थी, मैक्रोनी वगैरह बनाई थी उन्होंने, साथ में चावल वगैरह बनाए थे, पकोड़े वगैरह बनाए थे, नए पकोड़े, आलू वाले पकोड़े, दूसरे पकोड़े, चिकन साथ बना हुआ था, ये वो चावल बना रही थी। जो मेरी चची है ना, वो चावल बहुत मज़े के बनाती हैं, बहुत मज़े के, उनका हाथ का जायका जो है ना वो बहुत मज़े का। हम सबको उनके हाथ की जो कुकिंग है वो बहुत पसंद है। तो ये राइस उन्होंने बनाए थे तो बहुत मज़े के थे। तो ये अभी वो उन्होंने बना के उतारे थे, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना ली थी, ये देखें।
साथ साथ काम कर रहे, शेक वगैरह बना रहे थे। और फिर ये तारी का टाइम हो गया था तो ये वो लोग चीज़ें रख रहे थे साथ साथ। चिकन वाले पकोड़े भी बनाए थे उन्होंने, और ये फ्रूट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें दस्तरखान पर रख रहे थे। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना ली थी। तो ये हम लोग सारे बैठ के इफ्तारी करने लगे थे, सब लोग हम लोग बैठ के ये दुआ कर रहे थे। फिर तो खाने में उन्होंने चावल बनाए थे, साथ में चिकन था और कबाब बनाए थे। मज़ा आया था इफ्तारी करने में। फिर चाय वगैरह पी थी, तो फिर उसके बाद बस जल्दी जल्दी में खाना तो हमने इतना खाया नहीं था। उसके बाद हमने सेव मार्ट जाना था, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी खा के नमाज़ पढ़ी थी और चाय पी के, तो फिर हम सेव मार्ट चले गए थे। आपको था ईद की भी शॉपिंग करनी थी, तो फिर आगे बंद हो जाने थे, तो फिर इसलिए हमने कहा कि आज शॉपिंग कर ले ईद की भी, तो इसलिए फिर कुछ सेव मार्ट जो थे वो तो बंद हो चुके थे, लेकिन कुछ जो थे वो एक दो खुले हुए थे, तो फिर इसलिए, और रश भी इतना ज़्यादा था, तो फिर फटाफट हम लोगों ने शॉपिंग कर ली। और ये जो है ना, ये सूट है मोहम्मद इब्राहिम का, ये मोहम्मद इब्राहिम का गिफ्ट है, और ये इसकी खाला ने इसको भेजा। पीछे हो ना दो मिनट, मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत मज़े का लगा, बहुत ज़बरदस्त है। देखिए अंदर वाली जो शर्ट है वो भी बहुत मज़े की है, और पैर वाली जो शर्ट जैकेट बनी हुई है शॉर्ट में वो भी बहुत मज़े की है। ये जैकेट स्टाइल है, ये देखिए, और अंदर वाली शर्ट भी कितनी मज़े की है। उसका स्टाइल भी बहुत मज़े का, और कलर भी मुझे बहुत ही पसंद आया, लाइट सा कलर। ये देखिए सिंह साहब, आपका एज फेलो है त्यारा, 1987 की बर्थ है इसकी, पे त्यारे की। और इसके साथ ब्लैक कलर की जीन्स थी, ये देखिए ये पैंट है इसके साथ ब्लैक कलर की, बहुत नाइस सूट था, बहुत मज़े का। ये जब हम ईद उन्हीं लोगों के घर दावत पर जाएंगे तो मैं इसको बना के लेके जाऊंगी। ये देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और फिर इसके साथ ही फिर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।